हलवाई के बगीचे के पास सेंट्रल जेल रोड पर पाथियम आयुर्वेदा क्लिनिक एवं पंचकर्मा सेंटर पर डॉक्टर प्रवीण कुमार मरीजों को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से मरीजों के असाध्य रोगों का इलाज कर रहे हैं। इस इलाज से मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्होंने आयुर्वेद में MD मुंबई के पोद्दार मेडिकल कॉलेज और BMS बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है। मैं यहाँ पे जो चिकित्सा करता हूँ वो प्योर आयुर्वेदिक पद्धति से जो चिकित्सा होती है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक डिसीज की चिकित्सा, पुरानी डिसीज है, पेशेंट को कई सारी तकलीफें होती हैं, जैसे बोन से, जॉइंट से, जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर जो होते हैं, जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जॉइंट डिसऑर्डर है, और आपकी नर्वस डिसऑर्डर, जैसे पेशेंट को पक्षाघात हो जाता है या अनिंद्रा है, बहुत सारा मानसिक तनाव है, अवसाद है, अत्यधिक चिंता करता है पेशेंट, उस टाइप की मेडिसिन देख, कई सारी हम यहाँ पे प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन से चिकित्सा करते हैं। और इसमें चिकित्सा में हम लोग बेसिकली समन और शोधन दोनों चिकित्साएँ करते हैं। समन में हम मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, और शोधन में हम पंचकर्म भी करते हैं। यहाँ पे पंचकर्म में बमन है, विरेचन है, बस्ती है, डिफरेंट है, रक्त मोक्षण है, और भी कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं आयुर्वेदिक, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि काया चिकित्सा आयुर्वेद में ऋतु, समदोष और पंच कर्म को आधार बनाकर इलाज किया जाता है, जिससे इलाज काफ़ी सटीक होता है। और दूसरी, हम पेशेंट को उसके जो निदान प्रवर्जन में स्पेशली हम उनके आहार विहार कैसा है, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऋतु, कौन सी ऋतु आने वाली है, तो उस ऋतु में कौन सा आहार उसको खाना है, कौन सा नहीं खाना, उसकी पेशेंट की प्रकृति क्या है, दोष उसमें कौन सा इन्वॉल्व है, धातु उसकी कौन सी दुष्टि है, उसके अकॉर्डिंग उनको साम्यावस्था में लाने के लिए क्या खाना चाहिए, वो हम प्रॉपर उसको गाइड करते हैं पेशेंट को। रिजल्ट भी हमारे अब बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी तो हमारा सेंटर बहुत ही नया है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अभी जितने पेशेंट आ रहे हैं ऑलमोस्ट 95% पेशेंट सेटिस्फाई हैं हमारे ट्रीटमेंट से। अभी तक पेशेंट का जब बोलता है आके पेशेंट को, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, 8 दिन की दवाई से ही इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इतना बहुत अच्छी खुशी होती है, और आयुर्वेद में बहुत हमारा फेथ भी बढ़ जाता है, और ऐसा मन करता है कि जैसे कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट और किया जाए, और पूरे आगरा में एक बहुत बड़ा एक सेंटर स्टेबलाइज किया जाए, जिसमें हम पेशेंट को अवेयर कर सकें और पेशेंट को बता सकें कि हमारा ट्रीटमेंट है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है आयुर्वेदिक चिकित्सा करके, और रिजल्ट भी हमारे बहुत ही जल्दी आते हैं। पाथियम आयुर्वेदा क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर पर केरलीय पंचकर्म से चिकित्सा की विशेष सुविधाएं हैं। कुछ ही समय में यह सेंटर शहर में अच्छी पहचान बना चुका है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।